ओम श्री गणेशाय नमः। यह देखिए कर्पूर हिफलोंग असम गुवाहाटी जा रहा है, आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहें, यह शिव मंदिर में भेजा जा रहा है। भारत के किसी भी शिव मंदिर में आपको पूजन करवाना हो, मेरे माध्यम से, जसविन जी के माध्यम से, लक्ष्मी जी के माध्यम से, या सुकन्या जी के माध्यम से, या ओडिशा शिव मंदिर में, या 1, 2, 3, 4, 5 केजी कर्पूर हल्दी पाउडर दे दिया गया, हल्दी या बृहस्पति ग्रह के लिए और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, सभी मंत्र को सिद्ध करने के लिए, और हल्दी के साथ चावल, इसके साथ जो है ये दे दिया गया, ये लो मास्टर। तो यह अभिमंत्रित करके ये भेजा हूं हिफलोंग, हाफलोंग या हिफलोंग कुछ है, एड्रेस ऐसा है, आसाम गुवाहाटी, ये 5 किलो है। तो ये जो है हर रोज शिव जी को चढ़ेंगे। जैसे ओडिशा राज्य में जिला कालाहांडी शहर के सिंगा के नदी कुर्लुपाड़ा गांव में पशुपतिनाथ शिव मंदिर है, श्री गणेश है, धन कुबेर है, पशुपतिनाथ शिव मंदिर है और वेद माता गायत्री, वह मंदिर में भी अगर आप 5 किलो भिजवाना चाहते हो मेरे माध्यम से, शिव जी के आशीर्वाद आदेश से वह मंदिर मेरे माध्यम से बना हुआ है, आपका परिवार का और फैमिली मेंबर्स का नाम बेलपत्ता में बोल के वहां छोड़ दिया जाएगा और ये 5 किलो वहां शिव जी को चढ़ा दिया जाएगा। शिव जी को सबसे प्रसन्न पीली सरसों, हल्दी, येलो मस्टर्ड और चावल, और इसमें थोड़ा गेहूं भी मिलेगा। कोई भी पूजन कीजिए गेहूं थोड़ा मिलाना जरूरी है, गहम गेहूं, इसको कनक स्वर्ण कहा जाता है। हर पूजन पाठ हवन यज्ञ में गेहूं मिलाना जरूरी है, अगर आप गेहूं नहीं मिलाते हैं तो वह पूजन पाठ फेल। शिव जी आपके रक्षक बनेंगे, आपण विश्व रजे कौन से जगह रुहंतु, ओडिशा राज्य कलाहांडी जिला केसिंगा पाख पशुपतिनाथ शिव मंदिर जदि पूजन करने चाहते आपण मोर व्हाट्सएप चैटिंग करेंगे। गोटे किलो कर्पूर चढ़ेबार थिबा, गोटे किलो, 5 किलो, 10 किलो, 30 किलो, आपको जितना किलो चढ़ाना हो, मान लो 30 किलो चढ़ाना है 30 किलो चढ़ा सकते हैं। और अखंड दीपक को ज्वाला देवी, जलती हुई देवी बोला जाता है। वर्ल्ड में जितने भी देवी देवता हैं उनका मुकुटमणि है ज्वाला देवी, जो कि हिमाचल प्रदेश में ज्वाला देवी का मंदिर है। अखंड दीपक हमारे माध्यम से उड़ीसा में भी जल रहे हैं। आप अगर अपने वजन के बराबर, आपका वजन 70 किलो है, आप बोलेंगे कि हम लोग 70 किलो सरसों तेल देना चाहते हैं ओडिशा मंदिर में, तो 70 किलो आप सरसों तेल दे दीजिएगा, अखंड दीपक में डाल दिया जाएगा। या जैसा सवामणि लगता है 51 किलो का सवामणि, 365 दिन कभी भी आप सवामणि लगा सकते हैं। आप बोलिए कि ज्वाला देवी के नाम से अखंड दीपक में 51 किलो हम सरसों तेल दे रहे हैं, तो सरसों तेल 51 किलो हम मंदिर में भिजवा देंगे, आपके नाम से पूजन वगैरह हो जाएगा और 51 किलो सरसों तेल हम मंदिर गर्भगृह में रख देंगे। तो ओडिशा राज्य जो जिला कालाहांडी शहर के सिंगा, वहां जो है 51 किलो का आपका सवामणि लग गया, वहां जोत पे डल जाएंगे तेल। यह है अखंड दीपक सवामणि, 365 दिन कभी भी आप लगा सकते हैं। आप अपने जीवन में एक बार जरूर मां ज्वाला देवी का दर्शन करके आए हिमाचल प्रदेश। आपके जीवन में जैसा दुख संकट समस्या बंधन हो, ज्वाला देवी का दर्शन करते ही 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता आपके रक्षक बनेंगे। ज्वाला देवी के नजदीक आप देखिएगा धर्मशाला नामक एक शहर है, मैं तो गया नहीं हूं, धर्मशाला जो है देखने लायक है वर्ल्ड में, वो ऐसा सीन सीनरी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा जो धर्मशाला में देखने के लिए मिलेगा। आप लोग घूमने के लिए इधर उधर जाते हैं, ज्वाला देवी के दरबार में जाइए, वहां मस्तक झुका के, वहां अखंड दीपक
अपने आप लाखों वर्षों से जल रहे हैं, घी और तेल देने का जरूरत नहीं है वहाँ। उसे कहा जाता है ज्वाला देवी, जलती हुई देवी। मनोकामना वहाँ जाने से 100% पूर्ण होता है, ज्वाला देवी के दरबार में और माँ कामरूप कामाख्या देवी के दरबार में। ज्वाला देवी जो भी जाना चाहते हो तो दिल्ली हमारी जो गुरु माँ है लक्ष्मी रानी जी, लक्ष्मी रानी जी से कांटेक्ट कीजिए, वह आपको पूरा रूट बता देंगी। क्योंकि अभी यह नवरात्रि में लक्ष्मी रानी जा रही हैं वहां अनुष्ठान करने के लिए। जिसको ज्वाला देवी में अनुष्ठान करवाना हो तो लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी रानी जी से कांटेक्ट कीजिए, वह अनुष्ठान भी करवा देंगी। अभी जा रही हैं नवरात्र में, नवरात्र में देवी के दरबार में जिसका अनुष्ठान हो जाए, देवी सदा सुहागन का वरदान देती है। आपके जीवन में जैसा भी तंत्र मंत्र जैसा झमेला हो, देवी के दरबार में आपका नाम का पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट चढ़ाऊं, चढ़ते ही देवी जो है 33 कोटि देवी देवता को आदेश दे देगी कि उस गांव का फलाना व्यक्ति का मेरे चरण शरण में नारियल चढ़ा हुआ है, त्रिशूल चढ़ा हुआ है, और उसका जाकर रक्षा करो। तो 33 कोटि देवी देवता आदेश मानते हैं ज्वाला देवी। लेकिन ज्वाला देवी का आज तक किसी ने प्रचार नहीं किया। मुझे सिद्धि प्राप्त हुआ है ज्वाला देवी से, 25 वर्ष के नीचे गया था ज्वाला देवी, और माँ कामरूप कामाख्या देवी से, और केसिंगा अम्बा देवी माँ से, केसिंगा स्पिनिंग मिल काली माता से, और गौरीशंकर बाबा शिवालय से, सभी से सिद्धि अखंड दीपक के माध्यम से ही मिलता है। और नवरात्रि में जिसको अखंड दीपक जलाना हो, ओडिशा राज्य जिला कालांडी शहर केसिंगा के नजदीक कुर्लुपाड़ा गांव में भव्य ज्वाला देवी का पूजन किया जाएगा अखंड दीपक। और जिनके भी नाम से वहां अखंड दीपक जलेंगे, 10 तारीख को वहां जो पशुपतिनाथ शिव मंदिर है वहां रुद्राभिषेक नमक चमक करने के लिए हम लोग याज्ञिक ब्राह्मण देवता दीपक दास जी को भेज रहे हैं। 10 तारीख को वहां करेंगे रुद्राभिषेक नमक चमक शिवलिंग के ऊपर सरस्वती से करेंगे। जिनका अखंड दीपक जल रहा है उनके नाम से ही होगा। तो आप सोच लीजिए, जो अखंड दीपक जला रहे हैं पशुपतिनाथ शिव मंदिर हमारे मंदिर में, उसके साथ रुद्राभिषेक नमक चमक होगा। रुद्राभिषेक नमक चमक का बहुत कम पैसा हम आपसे लेंगे। अखंड दीपक सरसों तेल का जलाना चाहते हैं 1100 रुपया 9 दिन का, और घी का जलाना चाहते हैं 2100 रुपया 9 दिन का, और रुद्राभिषेक नमक चमक वहां जिनका भी नाम शामिल करूंगा बहुत कम पैसा लूंगा। और अखंड दीपक ज्वाला देवी का पूजन देखने लायक होगा। तो ज्वाला देवी जो जाना चाहते हैं लक्ष्मी रानी जी से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि 12 महीना ज्वाला देवी में अनुष्ठान समय के अनुसार लक्ष्मी रानी के माध्यम से ही किया जाएगा। उनको हमने दायित्व तो दिया है, वह टिकट भी आज करवा चुकी हैं। वर्ल्ड का एक नंबर जगह है ज्वाला देवी, वहां तुरंत सर झुकाते आशीर्वाद मिलता है। वहां जो यज्ञ कुंड है वहां कभी अग्नि लगाया नहीं जाता, अपने आप अग्नि 24 घंटा जलते हैं। आप देखोगे तो चमत्कार हो जाएगा, आपके जीवन धन्य हो जाएंगे। तो माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ हमें ज्वाला देवी बुलाएं, जरूर बुलाएंगी आपको ज्वाला देवी। और जो भी हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के रहते हैं ज्वाला देवी के चारों तरफ, या धर्मशाला में जो रहते हैं, वहां जो धर्मशाला नामक शहर है वह मेरे से जुड़िए, ताकि मेरे माध्यम से जितने भी व्यक्ति वहां जाए आपके लॉज में ठहरेंगे, आपके होटल में ठहरेंगे, हम आपका एड्रेस उनको देंगे ताकि वह सुरक्षित जाए और सुरक्षित आए। और ज्वाला देवी जो गांव है वहां जितने भी लॉज वाले हैं होटल वाले हैं मेरे से जुड़ जाइए। हर वर्ष ज्वाला देवी के आशीर्वाद से 125,000 भक्त को भेजना हमारा काम है, ऐसा प्रचार करेंगे। टेली फिल्म भी बनेगा उड़ीसा में ज्वाला देवी के नाम से, शिव जी के नाम से। बहुत जल्द टेली फिल्म ज्वाला देवी के नाम से उड़ीसा राज्य में हम उड़िया भाषा में बनाएंगे, अनेक राज्य भाषा में बनाएंगे। तो जो भी ज्वाला देवी के भक्त हैं ऑल वर्ल्ड में, आप मेरे से जुड़ जाइए। ओडिशा राज्य में माँ ज्वाला देवी का मंदिर बहुत जल्द हम लोग बनाएंगे। तो ज्वाला देवी के जो भक्त हैं वह मेरे से जुड़ जाइए। ओडिशा राज्य जिला कालांडी शहर के सिंगा के नदी कुर्लुपाड़ा गांव में
ज्वाला देवी का मंदिर बहुत जल्दी बनाएंगे। मंदिर जहां ज्वाला देवी बैठेंगी वह गर्भगृह मिट्टी के नीचे 33 त्रिशूल पहले हम लोग लगाएंगे। त्रिशूल के ऊपर देवी का सिंहासन बनेगा। 33 परिवार के नाम से लाखों वर्षों के लिए वहां त्रिशूल रख देंगे, उसके ऊपर सिंहासन बनेगा, उसके ऊपर देवी ज्वाला देवी जलती हुई अखंड दीपक रहेंगे। और वह अखंड दीपक जो सिंहासन होगा, सिंहासन में त्रिशूल का पूजन होगा, त्रिशूल का पूजन। तो ज्वाला देवी के जितने भी भक्त हैं ऑल वर्ल्ड में मेरे से जुड़ जाइए। एक ज्वाला देवी का मंदिर हम उड़ीसा राज्य में बनाएंगे, यह भव्य बनेगा। तो इतना हमारा आत्मविश्वास है कि भारत के हर गांव में ज्वाला देवी का मंदिर हम बनाएंगे। आप एक मंदिर का मेरा साथ दीजिए, लक्ष्मी देवी का साथ दीजिए, भारत के हर गांव में ज्वाला देवी का मंदिर। क्योंकि वर्ल्ड के 80% लोग तंत्र बंधन से बंधे हुए हैं, इसीलिए बीमारी, गरीबी, घर कलह, अकाल मृत्यु से मर रहे हैं। इन सबको बचाएंगे ज्वाला देवी, जलती हुई देवी। तो मेरे से जुड़ जाइए। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं होता। गरीब से गरीब इंसान को अखंड दीपक ज्वाला देवी अरबपति बना दे, दसों दिशाओं से आशीर्वाद देती है ज्वाला देवी। तो मंदिर का निर्माण होगा। मंदिर निर्माण में जिसको शामिल होना हो उसके लिए एक अलग पुस्तक तैयार कर रहा हूं। आप बस इतना लिखिएगा, उड़ीसा में जो ज्वाला देवी का मंदिर बनेंगे उसमें हम मेंबर बनेंगे, बस उतना ही। मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, अभी भी कॉल आ रहा है।